गाइस वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं बाबा अमरनाथ जी की गुफा के पास। ये आप देख रहे होंगे, ये है गुफा, होली केव, पवित्र गुफा के नाम से जाना जाता है, बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है, भोलेनाथ है हमारे यहाँ पर। तो इस यात्रा की बहुत मान्यता है और हर साल जुलाई के मंथ में लगभग डेढ़ महीने की ये यात्रा चलती है जिसकी बहुत मान्यता है। कोविड की वजह से पिछले दो साल से ये यात्रा नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस साल ये यात्रा शुरू हुई है और बहुत यहाँ पे क्राउड भी आया हुआ है और बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं जो चेंज हुए हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर यात्रा करने के लिए आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए, आपके पास परमिट होनी चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, घोड़े के क्या खर्चे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, लंगर की क्या सुविधा है, रहने के लिए क्या सुविधा है और कैसे जम्मू से ये यात्रा यहाँ तक होती है। हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके लिए रहेगी, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ जी की यात्रा के लिए सबसे पहले आपको जम्मू पहुंचना होता है, क्योंकि यही इस यात्रा का बेस पॉइंट है। जम्मू पहुंचने के लिए दिल्ली से डायरेक्ट बस की सुविधा है, जबकि बाय ट्रेन भी यहां के जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचा जा सकता है। हालांकि आप श्रीनगर या जम्मू एयरपोर्ट भी पहुंच सकते हैं। मेरे बैक साइड में है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन और अगर आप अमरनाथ जी की यात्रा पर आ रहे हैं तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर ही उतरना प्रेफर करें, क्योंकि यहां से आपको बस स्टैंड जम्मू का है, वहां के लिए डायरेक्ट गाड़ियां वगैरह मिल जाती हैं या फिर बसेज या टैक्सी मिल जाती है, और जम्मू के बस स्टैंड से ही आपको पहलगाम या फिर आपको बलताल के लिए डायरेक्ट कन्वेंस मिल जाएगा। बलताल के लिए नहीं मिलता है, एटलीस्ट आपको श्रीनगर के लिए मिल जाएगा और श्रीनगर से आप इजीली पहुंच जाएंगे। तो जम्मू में उतरना ज़्यादा आप प्रेफर करें, कटरा पर भी उतर सकते हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए यहाँ उतरना ज़्यादा आसान भी रहेगा और यहाँ से आपको साधन मिलना भी काफ़ी आसान होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए आपका यात्रा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है और रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर ही वैष्णवी धाम और सरस्वती धाम पर अप्लाई करना होगा और टोकन लेना होता है, जिसके लिए भारी भीड़ होती है, लेकिन एप्लीकेशन के पहले आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना जरूरी है जो आप अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर लिस्टेड हॉस्पिटल्स में जाकर चेकअप करवाने के बाद ले सकते हैं। लिस्टेड हॉस्पिटल्स के अलावा किसी अदर हॉस्पिटल का हेल्थ सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। वैसे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन वालों के लिए यहीं पर हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए चेकअप की भी सुविधा थी। अमरनाथ जी की यात्रा के लिए अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाया है तो भी आपको आई कार्ड चाहिए होगा। आई कार्ड मिलेगा भगवती नगर और ये वैष्णवी धाम है, यहाँ से भी मिल जाएगा। अभी चूंकि बंद हो चुका है तो मैं जा रहा हूँ भगवती नगर में और वहाँ से पहलगाम की बसेस वगैरह भी मिलती है, तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ भगवती नगर में क्या है। यहाँ पे मैंने पूछा तो मतलब बहुत तरह की बातें हैं, कोई कह रहा है कि यहीं पे मिलेगा, कोई कह रहा है भगवती नगर में मिलेगा, बट मैंने ऑफिशियल से पूछा तो उन्होंने बोला है कि भगवती नगर में भी आप जा सकते हैं और यहाँ पर भी आप चाहे तो आई कार्ड ले सकते हैं। तो चाहे आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है चाहे ऑफलाइन, आपको आई कार्ड चाहिए होगा। और आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत भीड़ है, बहुत रश है। जिन्होंने भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है वो भी यहीं पर हो रहा है, आगे वैष्णवी धाम के बगल में ही वो भी हो रहा है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है ऑफलाइन वालों के लिए। बाकी ऑनलाइन वालों के लिए उतनी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट उनको आई कार्ड चाहिए होगा जो कि भगवती नगर और
यहाँ वैष्णवी धाम से भी मिल जाएगा। भगवती नगर 5 किलोमीटर दूर है यहाँ जम्मू रेलवे स्टेशन से, और ये वैष्णवी धाम भी जम्मू रेलवे स्टेशन के बगल में ही है। भगवती नगर में अमरनाथ यात्री निवास है, और सही मायने में अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो डायरेक्ट यहीं पहुंचना चाहिए, और यहां एंट्री के लिए आधार कार्ड और अपना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट साथ में जरूर रखें। यहां सबसे पहले बैग चेकिंग होती है, जिसके लिए भी भारी भीड़ होती है और घंटों लग सकते हैं। यात्रा के पहले दिन की सिचुएशन कुछ इस तरह की है, और ये शरणार्थी हैं जो लेटे हुए हैं। कुछ का हो गया है रजिस्ट्रेशन, कुछ का नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वालों को भी उतनी ही परेशानी झेलनी पड़ रही है जितनी ऑफलाइन को झेलनी पड़ रही है। यहाँ पे बीच बीच में कुछ फंक्शन चल रहे थे जो बंद हो गए हैं, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है और इतनी गर्मी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मतलब ऑनलाइन मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, फिर भी उसके बावजूद भी आई कार्ड अभी नहीं मिल रहा है, और बाकी जो ऑफलाइन करवाएं तो ऑफलाइन का प्रोसेस पूरा दिन भर उन्होंने किया, फिर यहाँ पर आके फिर उन्होंने बाकी सब चीज़ें की हैं। तो फिलहाल ये सिचुएशन है, और यहाँ की भी सुविधाएँ मैं दिखाता हूँ। एंट्री के बाद आपकी KYC होगी, और फिर आपको यात्रा कार्ड मिल जाएगा। जो आई कार्ड है वो मुझको मिल गया है, और बड़ी इसके लिए जतन करनी पड़ी। मतलब पिछले 2-3 दिन से मैं इसकी राह में था कि मिल जाए, लेकिन कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आपको जिस दिन यात्रा करनी है उसके 1 या 2 दिन पहले ही ये मिलेगी। तो यहाँ जब आप आते हैं तो ये बात आपको पता चलती है, क्योंकि मुझे पहले कहीं जाना था और मैं लास्ट टाइम में नहीं आ सकता था, इसलिए मुझे इसकी पहले नीड थी, लेकिन मिल नहीं रहा था इस वजह से। तो आप बस ये जान लें कि 1-2 दिन पहले ही आपको अगले दिन की यात्रा का कार्ड मिलेगा। मतलब मेरी 3 जुलाई की यात्रा थी, तो 1 जुलाई से मुझे ये कार्ड मिल जाना था। और इसके लिए बहुत लंबी लाइन भी लगानी पड़ती है अंदर। यहाँ पे आप वैष्णवी धाम में भी मिल सकता है, लेकिन आप सबसे पहले अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है तो सीधे आप रेलवे स्टेशन से भगवती नगर में आ जाएं, और यहीं के यात्री निवास में आएं, और यहीं पे सारा काम होगा, यहीं से यात्रा जाएगी, यहीं पर बस टिकट मिलेगा। वैष्णवी धाम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे आएं यहाँ पे, एक बार लाइन में लगे अंदर, जब आप आ जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको सबसे पहले आपको अपना कार्ड लेना होगा, फिर उसके सबसे पहले वेरिफिकेशन होगा KYC, फिर उसके बाद कार्ड मिलेगा, फिर उसके बाद आपको बस की टिकट लेनी पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस होगा, और उसके बाद खाने के लिए भी लाइन में लगनी पड़ेगी, लंगर के लिए, बेड रोल के लिए भी लाइन लगनी पड़ेगी, मतलब रूम वगैरह के लिए, तो हर जगह लाइन तो लगनी पड़ेगी। फिलहाल आप अगर देखोगे तो लंगर की भी उधर ये लाइन लगी हुई है, तो ये भी चीज़ें हैं। और बाकी पेड़ खाना चाहते हो तो पेड़ के लिए भी ऑप्शन है। तो ये है, फिलहाल चलते हैं यात्रा पर। रात को 2 बजे बस है, और बस से फिर निकलेंगे, तो 2 बजे का शेड्यूल मिला है। भगवती नगर में रहने की सुविधा होती है, और यहाँ सभी तरह के रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन ये लिमिटेड होते हैं, तो शायद आपको यहाँ हॉल में रुकना पड़े, जिसमें AC हॉल का पर पर्सन ₹50 लगता है, जबकि नॉन AC हॉल में रुकने का ₹10, जबकि ₹35 में आपको मैट्रेस रेंट पर यही मिल जाती है। साथ ही ₹20 में आप क्लॉक रूम में यहाँ पर अपना लगेज भी रख सकते हैं। भीड़ की वजह से कुछ लोग बाहर भी सो रहे थे। एक अच्छी बात ये थी कि यहाँ के टॉयलेट्स इतनी भीड़ भाड़ के बावजूद भी काफी क्लीन थे, जबकि बुरी बात ये थी कि इतनी भीड़ होने पर भी यहाँ केवल 2 वाटर कूलर पानी पीने के लिए रखे गए थे। तो यहाँ पे आपको इसका भी एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, लाइन के लिए एंजॉय करने वाले एंजॉय भी कर रहे हैं, और बाकी अगर आप आ रहे हैं इस यात्रा पे प्रिपेयर रहे हैं, ये सब के लिए। जो लोग अंदर भी थे वो बाहर बस चाय पीने के लिए भी आए थे, यहाँ भगवती नगर के इस भवन से, यात्री निवास से बाहर आए थे,
उनको भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, उनके लगेज अंदर है, लोग बाहर हैं। कोई भैया ये ब्रश लेने आए थे, और ब्रश दिखा दीजिए अपना यार, ब्रश ना देख लो, ब्रश महंगा पड़ गया इनको बहुत ज़्यादा। ये जस्ट ब्रश लेने बाहर आए थे और इनको भी बाहर रहना पड़ा है। कोई अनाउंसमेंट नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है। यहाँ भंडारे में तरह तरह के खाने हैं, यहाँ पे दही बड़ा है और पापड़ी है और डोसा है, चिल्ला है, चाउमीन है, आगे राजमा चावल है। 60 रुपये के आसपास की रेंज है, 60 रुपये। पाव भाजी है, मैंने पाव भाजी ली है 60 रुपये में। हालांकि यहाँ सुबह शाम चलने वाले लंगर में आप फ्री में अच्छा खाना खा सकते हैं। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर में आते ही अगर आपका प्रीपेड सिम है तो नेटवर्क आना बंद हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर सिम के भी काउंटर हैं, जहाँ 250 से 300 रुपए में सिम मिल जाता है। अमरनाथ यात्रा के लिए जिनको भी आई कार्ड मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो भगवती नगर में ये बस स्टैंड है, यहीं बसेस ले जाती हैं और एक साथ पूरा जत्था जाता है। तो 30 तारीख को पहला जत्था निकल रहा है और उसी के लिए इतनी सारी लगी हुई हैं। ये जो बस है, अच्छा ये सेमी डिलक्स है, ये वाली एसी है? ये एसी है। ओके, और जो डिलक्स है वो है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, अभी दिखी नहीं। तो ये आर्मी के साथ ही सब जाएंगे गाड़ियाँ? हाँ, कॉन्वॉय के साथ जाएंगे हम सारे। ओके, तो आप लोग बालताल के लिए जाएं और कुछ गाड़ियाँ पहलगाम के लिए निकलेंगी कल। ये वाली लाइन जो है, हाँ, ये बालताल की है पूरी। अच्छा, ये पूरी बालताल की है और ये वाली जो है पहलगाम की पूरी। ओके, और ये मतलब प्राइवेट गाड़ियाँ भी ले जा रहे हैं क्या? प्राइवेट गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं, तो प्राइवेट के अंदर पहले आर्मी से जो है अपने जवानों से पहले स्टिकर लेना पड़ेगा, स्टिकर अच्छा। लगेगा, फिर वो उसी के आपके उसके हिसाब से चलेंगी। अमरनाथ यात्रा इस साल से सुरक्षा की दृष्टि से आप केवल कॉन्वे यानी कि आर्मी के काफिले में चलकर ही कर सकते हैं, और अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी या किसी शेयरिंग गाड़ी से भी जाते हैं तो आपको बीच रास्ते से वापस कर दिया जाएगा। रात को 2 बजे बस निकलनी थी लेकिन निकली 3 बजे, और उसके बाद कॉन्वे आया तो लगभग 4 बजे के आसपास निकली, और उसके बाद एक और घटना हो गई, बस का टायर पंचर हो गया, तो फिर से बस एक बार रुकी लगभग आधे घंटे के लिए, और फिर थोड़ा टायर वायर चेंज किया गया, फिर आगे बढ़ी, फिर अगेन बस ख़राब हो गई। तो अभी दूसरी बस में मतलब तुरंत बैकअप बस होती है, तो तुरंत दूसरी बैकअप बस आ गई और उसमें बैठ के आगे की तरफ अब आए हैं, और यहाँ पे लंगर वगैरह चल रहा है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं और मौसम बहुत सुहावना है, बारिश हल्की हल्की हो रही है, रास्ते में बादल दिख रहे हैं और मज़ा आ रहा है। बाकी टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा होती है ऐसी वाली टेम्प्रेरी, और बाकी भंडारे वगैरह यहाँ पर है ही, और बस का ये कॉन्वे पूरा खड़ा है। अमरनाथ जी की यात्रा 2 रूट से होती है, पहली पहलगाम और दूसरी बालताल। मैं बालताल से यात्रा कर रहा था जिसका रास्ता कश्मीर के सोनमर्ग से होते हुए पड़ता है, और जम्मू से बालताल 356 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, जबकि जम्मू से पहलगाम 240 किलोमीटर है। तो अभी रुका है कॉन्वे और लंगर के लिए सभी यात्री उतरे हैं, तो मौसम बहुत सुहावना सा है, बादल हैं, और चलते हैं लंगर की तरफ, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं लंगर में। तो लंगर का ये पूरा एरिया देख रहे होंगे, हर तरह का खाना यहाँ पर मिल रहा है और बहुत ही टेस्टी, मतलब पूड़ी है, कचौड़ी है, छोले हैं, भटूरे हैं, डोसा है, मतलब हर तरह का खाना है। तो अभी टाइम कम है, निकलता हूँ यहाँ से मैं, और ये पूरा जो आप देख रहे हैं स्टॉल्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पे भंडारा लगाया गया है। हालांकि बस का ये सफर बहुत ही थका देने वाला होता है, जिसमें 12 से 18 घंटे तक लग सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो भगवती नगर में ही परमिट के साथ चलने वाली शेयरिंग कार से जम्मू से 1500 से 1800 रुपए देकर बालताल तक जा सकते हैं, जबकि 1200 से 1500 रुपए देकर पहलगाम तक शेयरिंग में जा सकते हैं। जो लंगर होता है वो लगभग आधे घंटे के लिए गाड़ियाँ रोकते हैं, और इस बीच में आपको जितना जल्दी हो सके खाना पीना सब कंप्लीट करके आप अपने गाड़ी में आ जाएं, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है और इस बात का विशेष ध्यान देने तो गाड़ी तो निकल जाएगी।
और ये अभी गाड़ियां लगी हुई हैं। टॉयलेट के लिए भी बस कॉन्वे में रहने की वजह से केवल लंगर में रुकने के दौरान ही रुकती है, लेकिन एक साथ आर्मी के साथ सैकड़ों कार और बस का जब काफिला चलता है तो दूसरी साइड की गाड़ियों को भी रोक दिया जाता है और ऐसे में आप खुद को वीआईपी होने जैसा फील करेंगे। रात को 2 बजे निकले मैं पहुंचा हूं शाम को 5 बजे। लगभग 15 घंटे का समय लगा, लास्ट के 10 किलोमीटर में ही लगभग 2 घंटे लगे। और ये पार्किंग है, यहाँ देख रहे होगे आप कितनी भरी हुई है। और इसके अलावा और सामने पूरा जो बेस कैंप है वो है, घोड़े वगैरह का क्या प्राइस है, क्या चीज़ें हैं, हर डिटेल अब आपको आगे मिलती रहेगी। जो परेशानी मुझे हुई है आपको ना हो, इसलिए मैं हर एक चीज़ कवर करूँगा आपके लिए। तो चलते हैं, अब तलाश करते हैं कैंप की। अमरनाथ जी तक मैं बालटाल से इसके आगे की यात्रा करने वाला था, जिसमें मैं लंगर, टेंट के रेट्स, गुफा तक जाने का खर्चा और साधन के साथ दर्शन करने में कितना समय और पूरी यात्रा के दौरान होने वाले खर्चे और परेशानियों के बारे में बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर के अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।